दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त रूबी नेगी लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की कुछ मसालेदार खबरें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऋतिक रोशन, मैंने तारे जमीन पर फिल्म देखी थी जिसने मेरा दिल छू लिया था। मुझे लगता है कि सुपर 30 मेरे लिए एक वैसी ही फिल्म है। अभिनेता ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी नवीनतम फिल्म सुपर 30 की सफलता का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में अभिनेता ने साझा किया है कि कैसे सुपर 30 उनके करियर की एक ऐसी फिल्म है जो उन्हें अपार संतुष्टि प्रदान करती है। बॉलीवुड में अपने 2 दशक से अधिक करियर में विभिन्न रोल निभाने के बाद आनंद कुमार का किरदार निभाना सुपरस्टार के लिए बेहद संतुष्टदायक रहा है और वह इसके लिए बेहद आभारी भी हैं। बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार का किरदार निभाने के लिए न केवल दुनिया भर के प्रशंसक अभिनेता की सराहना कर रहे हैं, बल्कि क्रिटिक्स द्वारा भी उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत को काफी सराहा जा रहा है। इस पर अपनी भावना साझा करते हुए ऋतिक लिखते हैं, यह मेरे लिए बहुत ही फिल्म खास है। बहुत समय पहले मैंने तारे जमीन पर नामक फिल्म देखी थी जिसने मेरा दिल छू लिया था। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे वैसी फिल्म करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मेरे लिए सुपर 30 वैसी ही फिल्म है। इसने मेरे जीवन में इस तरह की फिल्म में करने के लिए संतुष्टि दी है जिनका प्रभाव उन लोगों पर ठीक वैसा ही पड़ा है जैसा तारे जमीन पर देखने के बाद मुझ पर पड़ा था। इस बारे में आगे बात करते हुए फिल्म किस तरह आशा और सपनों को बढ़ावा देती है और कैसे हर सपने को हासिल करने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और कैसे आपको एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके सपने पर विश्वास दिखा सके ताकि उस समर्थन के माध्यम से ही आप अनंततः उसे हासिल कर सकें। वे कहते हैं कि फिल्म उन लोगों से पूछ रही है जो खुली आंखों से सपना देखते हैं और जो लोग उस सपने को सच करने में योगदान कर सकते हैं। आप आशा करते हैं और आप मदद करते हैं, यह कुछ ऐसा है जो बहुत खास है। शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता और इससे जुड़े देश की वृद्धि पर बात करते हुए सुपरस्टार ने साझा किया, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। प्रगति एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति, एक समाज, दुनिया के लिए हर चीज में हमेशा वृद्धि गुंजाइश होती है। शिक्षा का भी विकास हो रहा है और होना भी चाहिए। फिल्मों के माध्यम से ऐसा संदेश देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपका ध्यान स्कूलों, शिक्षा, बच्चों और उनकी आशाओं और सपनों की ओर आकर्षित करता है। इसीलिए इस बार सुपर 30 जैसी फिल्म का आना किस्मत में लिखा था। सुपर 30 को 12 जुलाई को देश भर में रिलीज किया गया था और फिल्म ने अब तक 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी तक सिनेमा घरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। फिल्म खूब सुर्खियां बटोर रही है और यह फिल्म के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के अधिकारी, शिक्षक, नौकरशाह और अन्य लोग फिल्म देख रहे हैं और इसके महत्व को समझ रहे हैं। फिल्म सुपर 30 में ऋतिक रोशन के साथ मृणाल ठाकुर नजर आ रही हैं और नंदिश संधु, पंकज त्रिपाठी सहायक कलाकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो ये थी बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की कुछ मसालेदार खबरें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके ऐसी ही मसालेदार खबरों से अपडेट।